आखिर क्यों लक्ष्मण के साथ वनवास नहीं गए? उर्मिला और लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला का क्या हुआ? आखिर 14 सालों तक उर्मिला ने लक्ष्मण से दूर रहकर क्या किया? दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि उर्मिला राजा जनक की बेटी और माता सीता की छोटी बहन थी। सीता के विवाह के समय ही दशरथ और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण से उनका विवाह कर दिया गया था, जो स्वयं शेषनाग के अवतार थे। कहते हैं जब श्री राम और माता सीता के साथ लक्ष्मण भी वनवास को जाने लगे तो उर्मिला ने भी उनके साथ जाने को कहा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी जरूरत है। उर्मिला के लिए बहुत कठिन समय था। ऐसे में जबकि वो नववधू थी और उनके दाम्पत्य जीवन की अभी शुरुआत ही हुई थी, ऐसे में पति से अलग हो जाना वज्र के आघात के समान होता है। लक्ष्मण को वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे ताकि माँ और सखियों के साथ रहकर उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। लेकिन उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि यही मेरा घर है, पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब मेरा धर्म है। दोस्तों, यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। एक कथा के अनुसार जब लक्ष्मण जा रहे थे तब इन विकट क्षणों में उर्मिला आंसू भी न बहा सकी, क्योंकि लक्ष्मण जी ने उनसे एक और वचन लिया था कि वो कभी आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि अगर वो अपने दुख में डूबी रहेंगी तो घर वालों का ख्याल नहीं रख पाएगी। तो चलिए अपने सवाल पर लौटते हैं कि आखिर लक्ष्मण जी के वनवास जाने के बाद उर्मिला ने 14 सालों तक क्या किया। इस संबंध में मान्यताओं पर आधारित एक कथा मिलती है। हालांकि इस कथा का वर्णन रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण आदि में नहीं मिलता है, क्योंकि इन ग्रंथों में उर्मिला को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। तो कथा यह है कि रावण के पुत्र मेघनाथ को यह वरदान था कि उसे वही व्यक्ति मार सकता है जो 14 वर्षों तक सोया ना हो। तो लक्ष्मण ही इस धरती पर एकमात्र ऐसे पुरुष थे जो 14 वर्षों तक सोए नहीं थे। वो अपने जेठ भ्राता श्री राम और भाभी सीता की सुरक्षा और सेवा में दिन रात लगे रहे। कहानी के मुताबिक उनके बदले उर्मिला ने 14 साल सोकर बिताए थे। दरअसल लक्ष्मण ने निद्रा देवी से प्रार्थना की थी कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेगी। इसके बदले निद्रा देवी ने उनके आगे शर्त रखी थी कि इन 14 वर्षों की नींद लक्ष्मण के किसी प्रियजन को लेनी होगी। तब उनके बदले उर्मिला को यह जिम्मेदारी मिली और उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही। एक दूसरी कथा के अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रता धर्म था। इस कहानी के अनुसार मेघनाथ के वध के बाद उसका शव श्री राम जी के युद्ध शिविर में रखा हुआ था। उस शव को मेघनाथ की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का कटा सिर देखते ही सुलोचना के हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया और वह रोने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाथ का वध तुमने किया है। मेघनाथ को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं। ये तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य है। दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 सालों तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो बता दें कि उर्मिला को एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि जिससे वो एक साथ तीन काम कर सकती थी। वन जाते समय सीता माता ने उर्मिला को यह वरदान दिया था। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। जय श्री राम।